सो फाइनली थॉर लव एंड थंडर का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया और इसमें हमें फर्स्ट लुक एट गौर देखने को मिला, जो कि पर्सनली मुझे कैसा लगा वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट वेट, ट्रेलर के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और ईस्टर एग्स और रेजिडेंट डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल और वॉचर का कैमियो, थॉर के बॉडी पे लोकी का टैटू और बहुत सारे हिडन डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक देखना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं पहले सीन से, जहां कॉक एक एलियन स्पीशीज के बच्चों को थॉर की कहानी सुनाता दिखता है और ये बच्चे उसी प्लेनेट के हैं जहां पे गार्डियंस और थॉर फाइट करते दिखते हैं। अब गौर कहता है थॉर ने अर्थ को 500 बार सेव किया है, बचाया है, जो कि सुनने में अजीब लगता है, बट एक्चुअली थॉर 1500 साल बड़ा है तो उसने अपनी इतनी बड़ी लाइफ में ऐसा किया होगा। दूसरा पॉइंट जो यहां मेंशन करने लायक है वो है कि इस मूवी में हमें थॉर के पास 3 सूट्स देखने को मिलेंगे। पहला तो जब वो गार्डियंस के साथ एडवेंचर पे निकला था, इस थॉर को रेवेजर थॉर कहा गया है। दूसरा सूट है वो फर वाला जो कि वाइकिंग्स यूज करते हैं और इस थॉर को वाइकिंग थॉर कहा गया है। और लास्ट वाला है ब्लू सूट जो कि मेन सूट रहेगा थॉर का इस मूवी में। इसके बाद हम थॉर को वर्कआउट करते देखते हैं और यहाँ हम उसे गार्डियंस के शिप को खींचते देखते हैं। अरे भाई, गॉड है, नॉर्मल इंसान तो नहीं कि जिम जाएगा बॉडी बनाने के लिए? गॉड्स का वर्कआउट ऐसा ही होता होगा, मुझे क्या पता। इसके बाद हम थॉर और लेडी थॉर को न्यू एस्गार्ड में फाइट करते देखते हैं, जहाँ फिर से थॉर का काटा गया कि म्योलनर को अब कोई भी लिफ्ट कर रहा है। कोई नहीं, ये जोक था। और एग्जैक्ट जैसे एंड गेम में दिखाया गया जब कैप लिफ्ट करता है म्योलनर को, वैसा ही सीन यहाँ भी दिखाया गया। और हमारे साथ थॉर खुद हैरान है कि ऐसे कैसे हुआ। बट इस सीन में ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि यहाँ पे थॉर किसी से लड़ रहा है और ये कोई नहीं बल्कि गौर की आर्मी है, जिसे कॉमिक्स में ब्लैक बर्सर्कर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिलवाले मूवी का डायलॉग देखने को मिला, जहाँ थॉर जेन से कहता है कि उनके ब्रेकअप को 8 साल 7 महीने और 6 दिन हुए हैं। इसका मतलब समझे कि थॉर कितना भी स्ट्रॉन्ग है, जेन के आगे वो पिघल ही जाता है। इसके बाद हमें थॉर और गार्डियंस का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ थॉर स्टार लॉर्ड का मजाक उड़ा रहा था टीजर में, बट वही कुछ मिसिंग लग रहा था उस टाइम। और वो मिसिंग लिंक इस ट्रेलर में रिवील किया गया कि इस सीन में वॉल्क्री भी थी, जो कि शायद थॉर को वापस लेने आई होगी क्योंकि गौर ने एस्गार्ड पे हमला कर दिया होगा। और यहाँ पे हमें वॉल्क्री का कॉमिक एक्यूरेट सूट भी देखने को मिला। उसके बाद इस ट्रेलर का मोस्ट एंटिसिपेटेड सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें गौर को दिखाया जाता है और ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड भी देखने को मिलती है, जो कि कॉमिक्स में गौर का मेन वेपन है और उसकी सारी पावर्स उसी वेपन से आती है। अब हम गौर को ऐसी जगह देखते हैं जहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। मे बी ये नेक्रो स्वॉर्ड का इफेक्ट है जिसकी वजह से वो चीजों को बेरंग कर देती हो, क्योंकि आगे भी हम थॉर, जेन और वॉल्क्री को गौर को इस टाइप ऑफ सराउंडिंग में फाइट करते देखते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड द सिम्बियोट गॉड नल का वेपन है, बट आई डोंट थिंक इस मूवी में इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि सिम्बियोट्स और नल की अपनी एक अलग हिस्ट्री है जिस पे पूरी सेपरेट मूवी सीरीज बनाई जा सकती है। इसीलिए आई थिंक मूवी को गौर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर्ड कि वो नल या बाकी मार्वल मेथोस को डिस्कस करे। बात करें गौर के डिजाइन की, तो पर्सनली मुझे ठीक ठाक लगा डिजाइन गौर का, कुछ खास नहीं। अब कमेंट्स में गालियां लिखने नहीं बैठना क्योंकि मेरा ओपिनियन है, क्योंकि कॉमिक्स में गौर को देखकर ही गॉड्स की फटती थी। अब डिजाइन मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता जितना गौर की बैकग्राउंड स्टोरी करती है, क्योंकि अगर इन्होंने वो पुल ऑफ किया तो गौर MCU का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक होगा और फेज 4 का तो बेस्ट विलन होगा ही। ऊपर से क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग इस कैरेक्टर पे 4 चांद लगाने वाले है। अब बैकग्राउंड स्टोरी क्यों इम्पोर्टेंट है गौर की, क्योंकि गौर ऐसे ही नहीं गॉड्स को मारने वाला है, उसके पीछे एक इमोशनल स्टोरी है कि क्यों वो ये सब कर रहा है। अब हम बात करें ट्रेलर के VFX के बारे में, तो कुछ जगह VFX आउटस्टैंडिंग लग रहा था तो कुछ जगह मुझे लगा कि थोड़ा सा वो अनपॉलिश टाइप फील आ रहा था। और गौर की डिजाइन को भी मे बी आगे VFX से चेंज किया जाएगा, क्योंकि मुझे ट्रेलर में ये दिख रहा था कि अभी तक VFX कंप्लीट नहीं हुआ है मूवी का। जैसे थॉर का हेलमेट पहले सीन में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और वैसे ही आगे के कुछ फाइट सीन्स में भी मुझे थोड़े से अनपॉलिश्ड फाइट सीन्स दिख रहे थे, मगर ओलंपस वाले सीन्स फुल ऑन ट्री टू आईज है। क्या कलर ग्रेडिंग है, क्या सिनेमेटोग्राफी है, मुझे सीरियसली ओलंपस एस्गार्ड से ज्यादा पसंद आ रहा है। अब ओलंपस को भी यहाँ इन्होंने एस्गार्ड की तरह एक पॉकेट डायमेंशन जैसा दिखाया है, क्योंकि कॉमिक्स में ओलंपस अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है, बट आई थिंक ये चेंज सही है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट ओपन करता है और थॉर की गोड्स टूथ ग्राइंडर और टूथ नैशर दोनों के पास कॉस्मोस
300 डायमेंशंस के थ्रू फ्लाई करने वाली पोस है इस बोट को सीधे ओलंपस ले जाती है, जहां सारे गॉड्स की टाइप ऑफ मीटिंग हो रही है। क्योंकि ट्रेलर से पहले एक इमेज रिलीज की गई थी जहां पैंथर गॉडेस बस्ट को भी इस मीटिंग में देखते हैं। कॉमिक्स में भी ऐसे गॉड्स की एक मीटिंग और टीम थी जिसे गॉड हेड कहते थे, और गॉड हेड कॉमिक्स में सेलेशियल से लड़ने के लिए साथ आई थी। इसमें ओडिन, ज़ूस, विष्णु जैसे गॉड्स प्रेजेंट थे, बट मूवी में शायद गौर के गॉड्स को मारने की वजह से ये सारे गॉड्स एक साथ आए होंगे, ताकि वो इस थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज करे ये डिस्कस करेंगे। बट यहाँ ज़ूस और थॉर के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से ज़ूस उसे बंद कर लेता है। बट देखने वाली बात यह है कि जीन और वॉल्क्री आराम से बैठे है इस सीन में। मे बी ज़ूस का कुछ पंगा रहा ओडिन के साथ, जिसकी वजह से वो थॉर को पकड़ लिया होगा, क्योंकि जैसे ओडिन एस्गार्ड के लिए है वैसे ही ज़ूस किंग ऑफ किंग्स यानी ओलंपस का रूलर है। बट इवेंचुअली लेडी थॉर उसे बचा लेती है। बट कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये सारे गॉड्स एक साथ तो यहाँ आ गए, बट आई थिंक यहाँ गौर भी आने वाला है, क्योंकि इतने सारे गॉड्स उसे कहाँ मिलने वाले है। सो आई थिंक मोट ओलंपस पूरा गौर द गॉड बुचर का प्ले फील्ड बनने वाला है। और हाँ, ज़ूस के पोर्ट्रेयल से मुझे थोड़ी सी नाराजी है। क्यों? क्योंकि ज़ूस एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है कॉमिक्स में, और जितना मैंने ट्रेलर में अभी तक देखा मुझे लग रहा है कि ज़ूस को भी वो ऐसे जोक कैरेक्टर ले रहे हैं, तो ये बात मुझे उतना पसंद नहीं आई। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियंस के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा इस सीन में, तो लेडी थॉर ने जो म्योलनिर से अटैक्स किए थे, तो म्योलनिर से कुछ क्यूब शेपर्ड एनर्जी निकली थी। इसका मतलब लेडी थॉर म्योलनिर की कुछ नई पावर्स को अनलॉक करने वाली है। हाँ, लाइटनिंग तो होगी ही, बट उसके अलावा भी हम उसे कुछ नई एबिलिटीज को अनलॉक करते देखेंगे। अब ट्रेलर के एंड सीक्वेंस को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं। एक सीन में हमें लेडी थॉर म्योलनिर से लाइटनिंग प्रोड्यूस करते दिखती है, केव या क्लोज्ड बिल्डिंग जैसी जगह, जहां में पीछे बहुत सारे स्टैचूज देखने को मिलते हैं, जिनमें राइट साइड पे तो लिविंग ट्राइब्यूनल और द वॉचर का स्टैचू है, और लेफ्ट साइड के स्टार्टिंग में डेथ और लेफ्ट साइड के लास्ट दो कुछ समझ नहीं आ रहे कि कौन से कॉस्मिक बीइंग्स है। अब ये सीन को दो वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहला तो ये ओलंपस में ही है और ज़ूस इसे थॉर को इसलिए दिखा रहा है ताकि उसे पता चले इस यूनिवर्स के रियल गॉड्स कौन कौन है। अब अगर ये ओलंपस का सीन हुआ तो इसका मतलब ये रहेगा कि ज़ूस ऑलरेडी इन सब से मिल चुका है या इन्हें जानता है, जो कि इन कॉस्मिक बीइंग्स के एग्जिस्टेंस का और एक प्रूफ है एमसीयू में। और वैसे भी हमने डेथ को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 में देखा है, इन्फिनिटी स्टोन्स को क्रिएट करते टाइम एक इमेज में लिविंग ट्राइब्यूनल के हेड को हमने लोकी सीरीज और रिसेंट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी देखा। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये गौर की कोई केव है जहां वो गॉड्स को मारता रहता होगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी गौर एक केव में गॉड्स को टॉर्चर करता रहता था और वहां भी डिफरेंट गॉड्स के स्टैचूज हुआ करते थे। आपको कौन सा सिनेरियो इन दोनों में सही लग रहा है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद हम लेडी थॉर और वॉल्क्री को गौर से लड़ते देखते हैं उसी ब्लैक एंड व्हाइट सराउंडिंग में जिसे हमने ब्रेकडाउन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। बट यहाँ वॉल्क्री ज़ूस का वेपन थंडर बोल्ट यूज कर रही है, इसका मतलब गौर शायद से ज़ूस को मार देगा या मे बी ज़ूस वॉल्क्री को अपना वेपन देगा गौर से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसका वेपन गौर के आगे कुछ नहीं करने वाला। अब आगे हम गौर को अपने वेपन से एक प्लेनेट या मून जो भी हो को डिस्ट्रॉय करते देखते हैं, बट मे बी ये थॉर का लाइटनिंग ब्लास्ट हो जो कि हमें ट्रेलर के बाद में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। बट अब ये ब्लैक एंड व्हाइट एनवायरमेंट है क्या भला? तो ये होगा नेक्रोवर्स, जो कि गौर ने ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड से बनाया होगा, जैसा उसने कॉमिक्स में भी किया था। और इस जगह गौर सबसे पावरफुल होता है, और थॉर, लेडी थॉर और वॉल्क्री के पास कोई और चॉइस न होने की वजह से वो शायद नेक्रोवर्स में ही घुस जाएंगे गौर को मारने के लिए। और नेक्रोवर्स में हम सिर्फ थॉर के वेपन्स जैसे स्टॉर्म ब्रेकर, म्योलनिर, ज़ूस के लाइटनिंग बोल्ट के कलर देख सकते हैं, बाकी पूरा जैसे मरा हुआ नजर आ रहा है, जो कि शो करता है गौर की आइडियोलॉजी को कि वो कैसे और कितने गॉड्स को मारने वाला है इस मूवी में। अब मूवी में गौर इजिप्शियन गॉड्स को भी मारने वाला है, क्योंकि मून नाइट के डिलीटेड सीन में हमें गौर के बारे में बताया जाता है, जहां वो 2-3 इजिप्शियन गॉड्स को मार देता है, बट इवेंचुअली उस सीन को डिलीट कर दिया गया था। और हम ट्रेलर के एंड में जब ज़ूस थॉर को नंगा कर देता है, तो हम थॉर के बैक पे लोकी के हेलमेट का एक टैटू देखते हैं, और एज अ फैन मुझे लोकी का रिएक्शन देखना है जब वो इस टैटू को देखेगा, एंड आई रियली होप कि लोकी भी मूवी में हो, बट आई नो ऐसा नहीं होने वाला। सो आई रियली होप ये मूवी अपनी हाइप को पूरा जस्टिफाई करेगी और फुल ऑन पैसा वसूल होगी। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस स्कारलेट विच या फिर थॉर
थॉर वर्सेस ज़ूस पे बनी और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really